सब्सक्राइब कीजिए कैरियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैरियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, तो सब कुछ जानेंगे कि ये कहाँ से वैकेंसी जारी की गई है और किस किस स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इस वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वैकेंसी से रिलेटेड डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपसे कोई भी वैकेंसी छूटेगी नहीं, चाहे कोई वैकेंसी हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। तो हम आपको ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पर इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझा के बताते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी जारी की गई है IOCL की तरफ से जारी की गई है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों ये जो है फॉर्म भरने की आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पे आइएगा, वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसे फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो sarkarijobfind.com वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए, यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आपकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, या तो इसी गूगल में सरकारी जॉब के नाम से सर्च करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो बात करते हैं सीधे IOCL की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये जूनियर ऑपरेटर का फॉर्म है, फॉर्म जो 16 जून से भरा जा रहा है, लॉटरी रखी गई 7 जुलाई, रिटर्न एग्जाम होगा 5 अगस्त को, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे 25 अगस्त को, रिजल्ट जो है 30 सितंबर को आएगा। जनरल ओबीसी के लिए फीस है ₹150, SST के लिए कोई फीस नहीं है, आपको एग्जामिनेशन फी को नेफ्ट ट्रांसफर या कोई पेमेंट से करना है। टोटल जो है 50 पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें अलग अलग स्टेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12 पास के साथ साथ तो आपके जो है 45% मार्क्स के साथ होने चाहिए 12 पास, SST के लिए 40% मार्क्स के साथ, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस में। एज लिमिट की बात करें 18 से 28 साल एज रखी गई है, जो है आपको पास मोटर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसके बाद आगे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके आके फॉर्म को फिल सकते हैं लॉग इन करने के बाद, और सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वैकेंसी में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।